तो बच्चों कैसे हो आप सब। आज आपके लिए ये जो आपकी क्लास की ये पोयम है बया हमारी चिड़िया रानी, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो सब बच्चे पढ़ेंगे मेरे साथ। बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती। बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती। देखो देखो, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती। बया हमारी चिड़िया रानी नदियों से भर लाती पानी। बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। बया हमारी चिड़िया रानी। तो अब देखो बच्चों, ये हैं हमारे कुछ प्रश्न। तुमने कौन कौन सी चिड़ियाँ देखी हैं, अब बच्चे बताएंगे, सोच कर लिखेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल है हमारा, बया अपना घोंसला कैसे बनाती है और चिड़िया दूर न जाए इसके लिए बच्चे क्या करने को कह रहे हैं। वो उसके लिए क्या कह रहे हैं कि तुम कहीं मत जाओ और हम यहीं हौज में तुम्हारे लिए पानी भर देंगे। अब बताओ, लिखो कौन बड़ा कौन छोटा। अब बिल्ली, चींटी, बकरी, मच्छर, कबूतर, मक्खी, गाय, भैंस, तितली, मोर, मधुमक्खी, कुत्ता, खरगोश, मुर्गी, कौवा, गिलहरी। अब इसमें बिल्ली काहे में आएगी, बड़े में आएगी, छोटे में आएगी? बच्चे सोचेंगे बिल्ली आएगी बड़े में। और इनके हिसाब से देखते हैं हम कितनी बड़ी हमारे पास चीज़ें हैं। ठीक है, और छोटी में आएगी हमारी चींटी, बकरी बड़े में आएगी, मच्छर छोटे में आएगा। अच्छा, ये हम ऐसे ऐसे देख देख के इसमें बड़ा छोटा और बड़े में हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, पाठ में ई और बड़ी ई की मात्रा वाले जो शब्द आए हैं उन्हें लिखो। अब इसमें छोटी ई की मात्रा वाले कौन से शब्द आए हैं, इसमें इसमें छोटी ई की मात्रा है और बड़ी की मात्रा। छोटी की मात्रा ऐसे लगाते हैं, बड़ी की मात्रा आगे से लगाते हैं, छोटी की पीछे से लगती है। तो कहाँ में लगी हुई है, चिड़िया में आई हुई है हमारी छोटी की मात्रा। देखो, चिड़िया में है, बड़ी की मात्रा रानी में है, न के ऊपर लगी हुई है हमारी बड़ी की मात्रा। ठीक है, ऐसे ही हम लिखते रहेंगे। इसमें भी लिखेंगे हम देख के यहाँ पे, जैसे छोटी की मात्रा है हमारी इसमें तिनके में, तिन तिन में छोटी की मात्रा है ना, टे पे छोटी की मात्रा तीन है, कै तिनके में। ठीक है, अच्छा अब हम अब बच्चे बताएंगे आपके आसपास आपने कौन कौन सी चिड़िया देखी हैं, कौन कौन से आपने जानवर देखे हैं, ये सब बच्चे देख कर मुझे बताएंगे और फिर अपना काम सेंड करेंगे बच्चे मुझे भी मोबाइल पे, और जो कोई भी परेशानी होगी बच्चे मेरे से पूछ लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कल को दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगी। बाय बच्चों।